ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। त्रिवेणी रोड स्थित प्राचीन गणगौरिया उकाला हनुमान मंदिर परिसर में आदर्श व्यायामशाला के संस्थापक स्वर्गीय श्री कल्याण प्रसाद शर्मा की समाधि का नवनिर्माण कर उनकी चरण पादुकाएं स्थापित की गई। गणगौरिया उकाला विकास समिति द्वारा इस अवसर पर विभिन्न आयोजन किए गए। प्रातःकाल हनुमान जी की प्रतिमा का आकर्षक श्रृंगार कर हवन पूजन किया गया। उक्त प्रतिमा चमत्कारी है तथा 100 वर्ष से अधिक पुरानी मानी जाती है। समिति सचिव विशाल शर्मा ने बताया कि पंडित संजय ओझा ने हवन पूजन कर पूर्णाहुति संपन्न करवाई। उल्लेखनीय है कि रतलाम शहर का नाम कुश्ती में प्रसिद्ध है। कुश्ती के क्षेत्र में दबंग गुरु कल्याण प्रसाद शर्मा ने आदर्श व्यायामशाला की स्थापना तथा कुश्ती के क्षेत्र में रुचि दिखाने वाले युवकों को प्रशिक्षण देकर कई राष्ट्रीय पहलवान देश को दिए। वर्तमान में कल्याण गुरु के करीब 1,00,000 शिष्य पंजीकृत हैं तथा मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में 43 अखाड़े कुश्ती व शस्त्र कला का प्रशिक्षण दे रहे हैं। उनकी कुश्ती सेवा को चिर स्थायी बनाए रखने के उद्देश्य से हनुमान मंदिर परिसर में कल्याण गुरु की समाधि का निर्माण संगमरमर से किया गया तथा चरण पादुकाएं स्थापित की गई है। इस दौरान गुरु माता रामकन्याबाई शर्मा के क्षेत्रवासियों व मंदसौर, बखतगढ़, उज्जैन, रतलाम जिले के आसपास के सैकड़ों शिष्यों ने गुरु माता के चरण वंदन कर आशीर्वाद लिया।